इससे पहले कि बच्ची का जहन पुख्ता हो जाए इस बारे में, अपने घर का माहौल फौरी तौर पर बदले। देख बिजली, तू भी सुन ले सुरैया और तू भी सुन ले कशिश, मुझे इस घर का माहौल बदलने। अगले घर में कराया भाड़ा कहाँ से करेंगे? ये कड़वा घूर तो तुम लोगों को पीना होगा। लेकिन एक ना एक दिन तो उसे पता चलना है ना। क्यों पता चलना है? कैसे पता चलना है? मैं नहीं पता चलने दूंगी। और एक बात याद रख लो, आज के बाद से अपनी जुबान को संभाल के रखना। अरे गुरु, गुड़िया को लेकर कहाँ सैर हो रही है? बस मरियम के स्कूल का सामान खरीद रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह। दुआओं में रखना। हाँ, चल आ जाए। वही टॉफियां। नहीं कोई दीवाचा कुल किताब है ये तेरी मेरी जिंदगी। चुन ले हर्फ को तू अपने जर्फ से, तू कर ले खुद से दिल लगी। क्या हुआ गुरु, सो गई मरियम? हाँ सो गई। गुरु हर चीज जबरदस्त है ना, हमें तो किसी ने पढ़ने नहीं दिया लेकिन हमारी मरियम कल से स्कूल जाएगी। क्या हुआ गुरु, मुझे तो यूनिफॉर्म देखकर इतनी खुशी हो रही है और आप इतने दुख में हैं। यूनिफॉर्म तो है लेकिन यूनिफॉर्म के साथ पहनने वाले जूते नहीं है। सुबह मेरी मरियम को स्कूल में बहुत शर्मिंदगी होगी। हाय ला गुरु, शर्मिंदा हो मरियम के दुश्मन। पैसे खत्म हो गए। ये लो गुरु, इसे भेज दो और मरियम के जूते ले आओ, दुकानें खुली होंगी अभी। मगर ये तेरे ही तो हैं और इतना इतराती है तू इस पे। हाँ तो मरियम भी तो हमारे पास एक ही है, और मैं क्या मरियम की कुछ नहीं लगती? नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकती। गुरु अब हम मरियम के स्कूल जाने पे इतराएंगे, बस ये रख लो मेरी तरफ से, मैं बहुत प्यार से दे रही हूँ। खुश रखे तुझे, आपकी जन्नत है सुरैया। अच्छा जल्दी से जाओ, दुकानें बंद हो जाएंगी वरना।
मरियम बेटा खूब दिल लगा के पढ़ना, जो टीचर सिखाए ना सीख लेना। हाँ तूने मेरा नाम रोशन करना है, तू करिए ना मेरा नाम रोशन। हाँ चल। ओए बात तो सुन यार। बेटियों ने बाप का नाम कब रोशन किया? वो हमेशा बेटे करते हैं। ऐसे बड़ा महंगा स्कूल है भाई साहब, और बेटी पे पैसे लगा रहे हैं हम, जिसका कोई फायदा ही नहीं। बेटे पे पैसे लगाएं, कम से कम बड़ा होके वापस तो करे। मर्जी आप, जो दिल में आए। ये तुम्हारे पसंद की मीठी रोटी बनाई है मैंने, भूख लगे तो खा लेना। खा लोगी ना? हाँ मैं खा लूंगी। हाँ। लेकिन आप मुझे स्कूल लेने आएंगी ना? हाँ मेरा बच्चा, मैं आपको लेने आऊंगी। वो स्कूल के पीछे कैंटीन भी है, ये लो। और भूख लगे तो वहां से ले लेना, ठीक है? जा। अच्छा एक मिनट, अगर कोई तंग करे तो टीचर को बोलना, ठीक है? चलो जाओ जाओ हरी। गुरु आपके इस तरह टहलने से ना वक्त जल्दी नहीं गुजरेगा, स्कूल की छुट्टी टाइम पे ही होगी। मरियम अभी क्या कर रही होगी? गुरु आधा दिन गुजर चुका है और आधे दिन पे ना बच्चे खेल रहे होते हैं, और पता है हमारी मरियम भी उनके साथ खेल रही होगी। उसको चोट लग गई तो उसको दूसरे बच्चों के साथ खेलना नहीं आता। गुरु सीख जाएगी, आपके इस तरह बेचैन होने से तो कुछ नहीं होगा ना। गुरु क्या ये रोज होगा? मरियम रोज स्कूल जाएगी, आप रोज इसी तरह परेशान होंगे। तू समझ क्यों नहीं रही? बोले जा रही है, नहीं लगता मेरे उसके बगैर दिल। आज पहला दिन है, आधी हो जाऊंगी, मगर अभी मेरी जान जा रही है। गुरु अभी छुट्टी नहीं हुई होगी। गुरु या अल्लाह मेरे गुरु को सबर दे। भाई को पता है कि तुमने उसकी बेटी को स्कूल में पढ़ने बिठा दिए? हरी मेरी भी बेटी है। पता है, बल्कि सारी दुनिया जान चुकी है कि तुम ही वो औरत हो जो सिर्फ लड़कियां पैदा करती है। एक मैं हूँ जिसने एक ही औलाद पैदा की, और वो भी लड़का। सारी दुनिया ये जान चुकी है कि लड़की या लड़का पैदा करना औरत के अख्तियार में नहीं होता, बल्कि मर्द के अख्तियार में होता। बस मुझे ज्यादा साइंस पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक सीधा सा सवाल पूछा है, उसका जवाब दो। किससे पूछ के तुमने स्कूल बिठाया? हरी मेरी भी बेटी है, उसे पढ़ाना मेरा हक है, और अपने हक को मांगना जरूरी नहीं होता। और वैसे भी मैं किसी से कोई खर्चा थोड़ी मांग रही हूँ, हरीम को जैसे तैसे खुद ही पढ़ा लूंगी मैं। वाह भाई वाह, यहाँ तो मिजाज ही बदले हुए हैं मैडम के, जैसे पहले ही दिन बेटी कमिश्नर लग गई हो। हेलो। हाँ वसीम, जरा शिराज को स्कूल से ले आना। हाँ चाहो तो अपनी बेटी को भी ले आना। मैं उसे खुद ले आऊंगी। हाँ अच्छा, तुम्हारी बीवी कह रही है कि वो खुद ले आएगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम। छुट्टी में तो काफी वक्त है अभी। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ। चलें फिर, आपकी मर्जी, आप इंतजार कर लें। निगाह तेरी, रहमतें तेरी, सादतें, जाऊं जहां पाऊं तेरी मैनायतें। लाज रखना मेरे खुदाया, तूने बनाया गुरु। लाज रखना मेरे खुदाया, तूने बनाया गुरु। तेरी रजा के बिना कुछ भी हो कैसे शुरू। मैं तब गुरु, मैं तब गुरु, ठीक तो ना? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? कैसे माँ बाप ने तुम्हारी तरबियत की है? मेरी बच्ची को चोट लग जाती तो? लगी तो नहीं ना चोट? कैसे बच्चों से बात कर रहे हैं आप? कोई तरीका है? जान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो आपके बच्चे ने शरारत की है, ऊपर से आप। बच्चे कब लड़ते हैं, कब खेलते हैं नहीं पता चलता। और अगर इतनी नाजुक लड़की है ना तुम्हारी, इसको घर पे रखो, स्कूल मत भेजो इसे। मेरा शेर तो ऐसे ही खेलेगा। तो मुझे ऐसे लोगों से बात ही करना गलत है। मैं जाके स्कूल वालों से बात करता हूँ, वही तुम्हें ठीक करेंगे। आ जाओ बेटा, जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ। अरे आ गया मेरा शहजादा, मेरा बच्चा, मैं जान, ये यहाँ रखो। गुड्डा, तारो तारो तारो, अब जूते खुद से उतार। वसीम, वो स्कूल से फोन आया था मैडम का, बड़ी गुस्से में लग रही थी। घर भी फोन कर दिया उसने? क्या कह रही थी? अरे बोलना क्या है, बस शिकायत कर रही थी, कह रही थी कि इसका रवैया कुछ ठीक नहीं है स्कूल में। भी लेने गया ना सर, तो स्कूल के गेट के ऊपर एक बच्ची खड़ी हुई थी, उसे धक्का दिया उसे। इसका बाप खड़ा था, तू तो मैं हुई उसे, लेकिन चुप करा दिया उसे। ए भाई, इत्तेफाक हो गया होगा, मेरे बच्चे ने कोई जानकर थोड़ी धक्का दिया होगा। भाई जो कुछ हुआ है ना वो मैंने आपको बता दिया, अब जो दिल में आता है समझे बाकी। बड़ा शरारती हो गया ये, आए दिन स्कूल से शिकायतें आ रही है। अरे अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरे सामने आ बैठी, आप मामू से पूछ ले। मेरे बच्चे, तुमने उसे धक्का क्यों दिया? क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा जाओ जाओ, कपड़े चेंज करो, जाओ जल्दी से, फिर खाना देती हूँ मैं अपने बच्चे को। रशी ज्यादा पूरा बदमाश हो गया। हाँ। वसीम, अब होगा क्या? तीसरी शिकायत आई है स्कूल से। मैडम कह रही थी कि अगर यही हाल रहा ना तो इसे स्कूल से निकाल देंगी। आप मिलने तो जाओ, फिर देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। मैं जाऊं? मैं तो पहले भी नहीं गई थी। उसको बोलो ना, फाखरों को कहो वो जाए। हाँ तो फाखरा चली जाए, उसको बोलना। यानी कि आप, तुम्हारी बीवी की मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी मुझे। मैं नहीं कह रही, खुद जाके कहो उससे। अच्छा मैं बोल देता हूँ, है काम। फाखरा, फाखरा, क्या हुआ? मुंह क्यों सजा रहा? ये बच्ची के नसीब के बारे में सोच रही थी।
क्या हुआ तुम्हारी बच्ची के नसीबों में? हरीम का स्कूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक तो है, सारे मोहल्ले के बच्चे जाते हैं वहाँ, क्या हुआ? 50 बच्चे हैं क्लास में, टूटी फूटी बेंचे हैं, बुरा हाल है। कहना क्या चाहती है? हरीम का दाखिला उधर ही करा देना जहाँ शिराज पढ़ता है। वाह, क्या बात कर रही हो तुम, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। आलिया और भायरा को नहीं पढ़ाया, लेकिन हरीम को तो अच्छी तालीम दे सकते हैं ना। क्यों दे सकते हैं? आखिर मेरी बात सुनो, तुम बहुत अच्छे से जानती हो ये बेटियों की तालीम के ऊपर पैसा खर्च करने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। शिराज की फीस भी तो आप ही देते हैं ना। हाँ, क्योंकि वो लड़का है, मेरी बहन का लड़का है। कल को पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बन जाएगा तो मेरी बहन का ही फायदा है, सहारा बनेगा उसका। उनका क्या है, इनकी तो शादी हो जानी है, चले जाना है इन्होंने। क्या हुआ? मैंने रूबीना पापा के सर पे तेल लगा दिया, अब मैं पढ़ने बैठ जाऊं? हाँ हाँ जाओ। शिकवे अगर खत्म हो गए हो तो कुछ अर्ज कर लूं तुमसे? कहिए। शिराज के स्कूल से फोन आया था, शिकायत कर रही थी प्रिंसिपल से, मिल लेना जाके। खाना दो। बता स्कूल में क्या हुआ सुरैया? क्या हुआ गुरु, बताएं। मैंने कैसा मंजर देखा कि मेरे दिल को घुसा लगा है। ऐसा क्या हो गया गुरु? एक लड़का मरियम से बड़ा, उसने मरियम की चुटिया पकड़ी, उसको जमीन पे गिरा दिया। हाय अल्लाह, फिर क्या हुआ? मेरी प्यारी सी नन्ही सी फूल सी बच्ची जमीन पे गिर गई, मेरे तो तन बदन में आग लग गई। गुरु, फिर आपने उसको चमाट नहीं लगाई? नहीं ना, था तो वो भी बच्चा। तो फिर आपने क्या किया? मैंने उसकी शिकायत लगा दी, सजा तो दिलवा के रहा। गुरु, अभी तो आप कह रहे थे कि बच्चा है और अब आप सजा भी दिलवाएंगे? हाँ, मगर बच्चों वाली सजा ना, ताकि वो मरियम को आइंदा हाथ ना लगाए। अच्छा, आप परेशान ना हो, छोटा बच्चा ही तो था, कोई बात नहीं। अच्छा सर, सीधा कर। सुकून मिल रहा है? आपको इससे पहले भी बुलाया जा चुका है शिराज के मिसबिहेवियर के सिलसिले में? जी, एज यू नो ही इज इन थर्ड ग्रेड, और कल मॉन्टेसरी की एक छोटी सी बच्ची मरियम को उन्होंने पोनी से पकड़ा और बुरी तरह से गिरा दिया। हो सकता है वो बच्ची खुद ही गिर गई हो। इट्स नॉट लाइक दैट, हमारी स्पोर्ट्स टीचर ने खुद देखा था शिराज को ऐसा करते हुए, और अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता उस बच्ची के साथ तो मसला खड़ा हो जाता। उस बच्ची के फादर भी बहुत परेशान है इस इंसिडेंट को लेकर। मैं माजरत करती हूँ आपसे। शिराज, आपको शर्म नहीं आई आपने ऐसी हरकत की? दिस टाइम शिराज को अपोलोजाइज करना होगा पूरी असेंबली के सामने, और यही इनकी पनिशमेंट है। जी बिल्कुल, माफी मांगेंगे वो, बल्कि मैं उस बच्ची से खुद माफी मांगना चाहती हूँ। आई थिंक इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा, और शिराज को भी एहसास होना चाहिए कि उसने गलती की है। फाइन, दैट्स अ गुड जेस्चर। जी मैडम, मॉन्टे से मरियम को बुला के लाइए। जी ठीक है। और आपको इस बार ये एफिडेविट साइन करना होगा, एंड लेट मी टेल यू कि ये स्कूल की तरफ से आपके लिए लास्ट वार्निंग है। अब शिराज की तरफ से मिसकंडक्ट का कोई इशू हुआ तो हमारे पास उसे एक्सपेल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। मैडम, मे आई कम इन? आइए प्लीज। शिराज,
शिराज अपनी स्टडीज में बहुत अच्छे हैं, लेकिन शरारतों में भी नंबर वन। जी मुझे अंदाजा है इस बात का, आप ठीक कह रही हैं। शिराज इधर आइए, आप मरियम से सॉरी कहिए और इनसे ये प्रॉमिस भी कीजिए कि आप आइंदा इस किस्म की कोई हरकत नहीं करेंगे। आई एम सो सॉरी मरियम, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। ओके शिराज एंड मरियम, गो बैक टू योर क्लासेस। एक्चुअली मरियम की मदर नहीं है, सिर्फ फादर हैं। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। लेकिन मरियम के फादर बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल माओं की तरह से उसकी परवरिश कर रहे हैं। उसकी माँ नहीं मैडम, अगर आप इजाजत दें तो मैं कभी कभी मरियम से मिलने आ जाया करूँ। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, मैं खुद भी एक माँ हूँ। आई थिंक आप आ जाया करें कभी कभार। हाय ला गुरु, ये किसकी मोटरसाइकिल है? मरियम की, मतलब कि मरियम के लिए। आपने मोटरसाइकिल ले ली, लेकिन इसे चलाएगा कौन? मैं चलाऊंगी, और कौन चलाएगा? बस कर दें गुरु, आपको कहाँ आती है चलानी। सीख ली मास्टर मजीद ने ना, एक ही दिन में सिखा दी। है गुरु। सुरैया तू अपने गुरु को बड़ा हल्का लेती है। नहीं गुरु, लेकिन ये तो बहुत पैसों की आई होगी। मास्टर मजीद के पास खड़ी भी थी, कह रहे थे ले जाओ, जब पैसे होंगे तो दे देने। मतलब गुरु हमारी मरियम कल से इस मोटरसाइकिल पे स्कूल जाएगी। मुझे अच्छा नहीं लगता था जब मैं उसे साइकिल पे स्कूल छोड़ने जाती थी। अब तो देख बहुत खुश होगी। वो टाइम क्यों है? बस छुट्टी होने वाली है। टाइम होगी मैं तो जाके ले लूं उसे, चार इंतजार कर रही होगी। गुरु देख के चलाइएगा। हाँ नहीं नहीं याद है मुझे। सरप्राइज है, मेरी बेटी बिल्कुल हैरान हो जाएगी। आ गई मेरी परियां। कैसी है? ठीक ठाक। ये देखो मोटरसाइकिल। हाँ मोटरसाइकिल, मैंने मोटरसाइकिल लाया हूँ मैंने सिर्फ मेरी बेबी के लिए। हाँ सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। आप मरियम के बाबा हैं? जी मैं मरियम का बाबा हूँ। मुझे पता चला कि मरियम की मामा नहीं है, मैं शिराज की आंटी हूँ। आपकी बेटी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। चलो चलो बेटा चलो, जाओ मोटरसाइकिल पे चले। कैसी लगी मोटरसाइकिल? बहुत। हाँ फिर निगाह तेरी रहमतें तेरी सादतें। खोल रहे भाई खोल रहे, आगे बस आ जाए। जी आ जाए आ जाए गुरु। चाचू
इतनी देर देख नहीं रहे डॉक्टर मरियम आई है? हाय डॉक्टर मरियम सॉरी, आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चले आज ना मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया आपके लिए। तो फिर आज मजा आया मरियम को स्कूल से आने में? बहुत मजा आया। चाचू एक जबरदस्त बात बताऊं? हाँ बताओ। पापा है ना मोटरसाइकिल चलाते हुए जब बड़ी सी गाड़ी आती है ना तो डर जाते हैं। हाँ मैं डर नहीं रहा था, मुझे डर लग रहा था क्योंकि तुम मेरे साथ थी कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। अच्छा आप जल्दी से जाओ कपड़े बदलो, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। ठीक है लाओ ये मुझे दो। अभी आ रही मेरा बच्चा शिराज, अभी आके खाना देती है मम्मी। आ गई फाखरा जी। बड़ी गर्मी है भाई, लो पानी ले। शुक्रिया। क्या कहा मैडम ने शिराज के बारे में? वो कह रही थी पढ़ाई में तो ठीक है लेकिन रवैया ठीक नहीं है उसका, नाराज हो रही थी बहुत उससे। अच्छा और वो लड़की क्या नाम था उसका? हाँ मरियम, उसकी माँ ने क्या कहा? उसकी माँ नहीं है सिर्फ बाप है। मैडम ने मेरे बच्चे से सॉरी करवा लिया, उनके दिल में तो ठंडक पड़ गई होगी। सिर्फ शराज ने नहीं मैंने भी सॉरी किया बच्चे से। क्यों तुमने क्यों सॉरी किया है? इतनी छोटी सी प्यारी सी मासूम सी बच्ची है फिर उसकी माँ भी नहीं है। फाखरा जिस तरह तुम उस बच्ची के वारिस सदके जा रही हो ना, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे बच्चे को बुरा बनवा कर आई हो। रुबीना आपा इस घर में दो औरतें, एक मैं जो शिराज को पढ़ाती हूँ और एक आप हैं जो उसकी तरबियत कर रहे हैं। तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ बताओ कि पढ़ाई में कोई कंप्लेन नहीं है शिराज की क्योंकि तुम उसे पढ़ाती हो और उसकी तरबियत खराब है जो कि मैं कर रही हूँ उसकी माँ। सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि उस बच्ची की तरबियत सिर्फ उसका बाप कर रहा है और बस। मरियम बेटा चाचू को बताओ शिराज ने कैसे माफी मांगी? उसने मुझसे सॉरी भी करी और साथ में बोला कि तुम मेरी बहन हो। अरे वाह हमारी मरियम को तो एक भाई मिल गया। मरियम शिराज की माँ नहीं है? उसकी मामा है मगर उसकी आंटी उसको स्कूल देने आती हैं। और बाबा? नहीं है बस मेरे पास है। कहाँ जा रही हो मरियम? बस मेरा पेट फुल हो गया, अब मुझे होमवर्क भी करना है। शिराज की आंटी ने पूछा था कि मरियम की माँ कहाँ है। दिल तो मेरा चाह रहा था कि कह दूँ मर गई है मगर फिर सोचा कि चुप्पी हो जाओ। बिजली याद है जिस गाने का मैंने तुझे बताया था? उस पे मैंने थोड़ा सा डांस तैयार किया है, तू चेक करके बता कैसा है। हाँ बिजली, ओ बिजली, बिजली क्या हो गया? किन सोचों में घूम है? क्या सोचें कशिश, जिंदगी असाब होने वाली है मेरी। अब ऐसा भी क्या हो गया है? कशिश मैंने तुझसे एक बात छुपाई थी, मुझ पे 2.5 लाख का कर्जा है। ये तूने क्यों लिया था? अरे वो मेरा दोस्त है ना नवीद। हाँ फिर
तो मैंने चूरा टेडी से सूद पर 1.5 लाख रुपए लेकर नवीद को दिए थे। सूद पर? ये नवीद को क्यों दिए थे तूने? अरे वो मुझे क्या पता, मैंने पूछा थोड़ी उससे। तू ना बिजली निरी पागल हो गई है, क्या कहता नवीद का वापस करे? वो साला आराम दादा भाग गया, हाथ में ही नहीं आ रहा। मसला ये है कि वो 1.5 लाख रुपए सूद मिलाकर 2.5 लाख रुपए हो गए। हाय रब्बा, बिजली तूने पागलपन की हद मुका दी है, स्टूपिड। पहले तो किस्तें निकल आती थी, लेकिन अब सारे पैसे गुरु को दिए जाते। गुरु से बात करना पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, गुरु से कुछ मत कहना, फिर वो क्या करेगा? ये जो टेडी हराम ज्यादा है ना, बहुत बड़ा नुकरा है, चांद से मार डालेगा वो तुझे भी मुझे भी। हमें मरियम के समर कैंप के 50,000 करने ही होंगे। गुरु, मैंने भी 4 जमातें पढ़ी हैं, लेकिन मैंने तो कभी ये समर कैंप ना सुना ना देखा। ओए, ये तेरे जमाने की नहीं, उसके जमाने की है। हाँ तो आप ही बता दें। चाची को मैं बताऊंगी, समर कैंप में पेंटिंग होती है, म्यूजिक होता है, बहुत मजे मजे के गेम्स होते हैं और स्विमिंग होती है। वाह भाई, ये तो बड़ी मजे की चीज है। अब समझ गए? जी डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल समझ में आ गई। अब मैं अपना काम कर लूं? गुरु, ये 50,000 रुपए तो इन कामों के लिए बहुत ज्यादा है। बड़ा स्कूल है ना, इसलिए। गुरु, मेरा तो मानना है, रहने ही दो, ये सब कुछ बड़ा मुश्किल है। पहली दफा मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा है, मैं से इनकार नहीं कर सकती। गुरु, 50,000 बहुत ज्यादा होते हैं, ये सब कैसे होता है? बहुत ज्यादा है सुरैया, लेकिन मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगी? जब उसके दोस्त कैंप में होंगे, वापस आके तस्वीरें दिखाएंगे, अगर मेरी बेटी का दिल टूटा ना तो मैं टूट जाऊंगी। अच्छा ना, आप परेशान ना हो, क्या करना है? तू दुआ कर, मैं सोचती हूँ। अच्छा मैं जरा उसको देख लूँ। क्या लिखा? एड्रेस करी? सुरैया कहाँ जा रही है तू? मरियम का स्कूल का लंच लेने, तुम दोनों इस वक्त? सुरैया मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। हाय ला, क्या हो गया बिजली? वो मेरा दोस्त था ना। दोस्त? हाँ वो नवीद। हाँ वो, मैंने उससे कुछ पैसे उधार दिए थे, कुछ 1.5 लाख रुपए। लेकिन बिजली क्यों दिए थे? वो उसे जरूरत थी, वो उसने मांगे थे मुझसे, तो मैंने दे दिए। तो अब क्या मसला है, वापस नहीं कर रहा? अरे नहीं नहीं, वो हराम का जन दुबई जाकर बैठ गया है, और अब वो 1.5 लाख 2.5 लाख में बदल गया है। हाँ। सूद के साथ 1 साल में। बिजली, ये तुमने क्या गजब किया? सुरैया अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ लेकिन कौन करेगा? सुरैया मेरी बहन है ना, गुरु को बोलो ना कि मेरी कुछ मदद करते।